एक और जहां कोरोना वायरस को लेकर साधारण आम जीवन को बेहतर प्रयास में राज्य व केंद्र सरकार प्रतिदिन कुछ न कुछ विकल्प करने में लगी है, उसी बीच टूअर्स के तमाम अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले के चाय बगानों के इलाकों में सरकारी व गैर सरकारी दुकान पाट में एक रेखा दूर बनाई गई है, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो। इस उद्देश्य से ही यह प्रयास डुअर्स के समस्त चाय बगानों में इन दिनों देखे जा रहे हैं। फिलहाल इस प्रयास में अलीपुरद्वार जिला के सताली चाय बगान, मधु चाय बगान, तुरसा चाय बगान, मथुरा चाय बगान और कादम्बिनी चाय बगान में यह पहल फिलहाल देखने मिली है। बसेर सर्कलहरू गरेर मान्छेलाई लाइन मेन्टेनहरू गराएर सोसल अवेरनेस र जुन चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको चल्ती छ त्यसलाई हामीले अवेर गरेर सबैलाई आफ्नो आफ्नो लाइन मेन्टेनहरू गराएर बसिरहेको छौँ। जस्तो यहाँ भयो, अब हामी बिबेर चौपतीमा जहाँ राशन डिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यहाँनिर पनि गएर हामी गराउँदैछौँ अहिले। इधर जलपाईगुड़ी जिले में बाँसबाड़ी चाय बगान, बिन्नागुड़ी चाय बगान और कुर्ती चाय बगान में यह पहल को अपनाया जा रहे हैं। फिलहाल यह पहल डुअर्स के लगभग सभी चाय बगानों में यह पहल देखने को मिल रही है। लोगों को पता ही है, सभी लोगों को सूचित किया गया हुआ है कि भीड़ भड़ाका ज़्यादा करने से ये खतरा बढ़ सकता है जो कोरोना वायरस का है, ठीक है। इसी वजह हिसाब से आदमी एक बाई एक लाइन में बैठकर, ठीक है, दुकान में जो भी सामान लेने आ रहे हैं उसको सूचित करने के लिए, और ये हमारा बागलोड ग्राम पंचायत का द्वारा किया गया हुआ है कि आने वाला दिन में सभी लोग सुरक्षित रहे और सभी लोग मिलजुल कर रहे, इसी हिसाब से बनाया गया हुआ है। आपका नाम? रूपक सुब्बा, मैं बागलोड जीपी में हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ही काम किया हूँ लोगों के लिए, अभी भी मैं करना चाहता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएंगे, मगर अभी जो हम लोग का कोरोना वायरस जो निकला हुआ है इसके लिए हम लोग लड़ना पड़ेगा सब एकजुट होकर, कि अब आते दिन में हम लोग कोई भीड़ भड़ाका ना करे, कोई पब्लिसिटी ज़्यादा ना करे, एक से एक बढ़कर हम लोग कदम अच्छी तरह से उठाना चाहिए, यही हम लोग का निवेदन है। इसी बीच इस पहल में अलग अलग चाय बगानों के युवा का कहना है, इस पहल में हम कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। इसी बीच डुअर्स के चाय बगानों के मजदूर का कहना है, फिलहाल चाय बगानों पर परिस्थिति ऐसी है जिन पर सरकार को और भी गंभीरता देने की जरूरत है। मतलब जो हम लोग तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इसी कारण से जो आज जो पेमेंट है भीड़ भट्टा एक साथ में ना हो जाए, इसी कारण से एक मीटर डिस्टेंस के लिए हम लोग गोलघरा बनाया, जो डिस्टेंस मेंटेन रहने के लिए। और साथ ही वासावरी मैनेजमेंट द्वारा स्थानीय श्रमिकों को क्या फैसिलिटी दिया गया सर? मास्क, सैनिटरी, जो हम लोग भी गांव में जाके बोल रहा है जो डिस्टेंस मेंटेन करो, घर में रहिए जितना हो सके। और सर बगान कब खुलेगा? अभी तक तो कोई खबर नहीं है, जो 31 तारीख तक बंद है, 31 मार्च, अभी तक तो इतना ही खबर आया हम लोगों का ऑर्डर, उसके बाद नेक्स्ट बाद में। और एक बात है सर, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ आप लोगों द्वारा जो आज पॉजिटिव कार्य किया गया है, मैं चाहता हूँ सभी टी गार्डन ऐसे कार्य करें, इस विषय में सर कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे स्थानीय दुकानदारों को? अभी देखिए, दुकानदार को जो बोलना चाहूँगा, जो अभी 10-11 बजे तक खुला रखने के लिए, क्योंकि हम लोग का श्रमिक जो है सफ़र नहीं कर पाएगा।